फिलहाल में 1:30 बज रहे हैं, हाँ टेम्परेचर की कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं भाई, आधे पर है सुई। मतलब आधा पर है। अच्छा, कह रुपये पड़ी थी मशीन पर? यह पड़ी भाई 360 की, 3,60,000। उसमें तो इस तरह अपना फिल्टर में हवा मरवा दी, इसमें क्या करवाना पड़ा? इसमें भाई तेल बदलना पड़ेगा, वो फिल्टर साफ कर दो भाई। एक तो ये फिल्टर इसका ठीक है। अच्छा एक चीज बता, इसमें टर्बो लगवाने के बाद में मान ले तेल खर्चा बढ़िया घटिया कुछ, टाइम कितना लगा हो ट्रैक्टर को एक ट्रॉली में? एक में 25-26 मिनट। 25-26 मिनट जी, ईसा के मैं लिया था। अरे ये भी फिलहाल मगर देखा कितने घंटे चल रहे हैं? यो तो भाई बहुत घना चल पड़ा, फिर भी अगर मीटर में देखा तो कितने घंटे? यो मीटर में 3,000 घंटे। 3,000 घंटे चला दिया। वैसे वो पास तो ऊपर कूद रहा है, मीटर चेंज करवा। नमस्कार किसान भाइयों। तो पहले आपने जिस ट्रैक्टर देखा के एस की रिपर के साथ में परफॉर्मेंस इसकी देखी, दूसरे के लो गियर में चल रहा था ट्रैक्टर फिलहाल में, और इसकी परफॉर्मेंस तो आपने देख भी ली होगी साथ में, और आरपीएम ड्रॉपेज कितने थे वो भी आपने वीडियो में शुरू में देख लिया होगा। बाकी ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा चला है और भाई चलता ही रहता है लगातार, तो किसान भाई से परिचय कराएंगे और पूछेंगे ट्रैक्टर के बारे में और भाई रेपर के बारे में पूछेंगे कि कुछ कहना है, सारा कुछ प्रॉपर इस वीडियो में डिटेल में बातचीत करेंगे किसान भाई से। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। भाई थोड़ा अपने किसान भाई ने परिचय, अपना गांव नाम क्या है भाई साहब? भाई गांव बालन जिला रोहतक। अच्छा नाम क्या अपना भाई? नाम आथी। अच्छा आथी, ठीक है भाई। अच्छा ये ट्रैक्टर जो अपना क्या मॉडल भाई? 19 मॉडल है भाई, 2019 मॉडल। अच्छा आपने नया कटवाया था? नया लिया था। अच्छा ये भी फिलहाल मगर देखा कितने घंटे चल रहे हैं? ये तो भाई बहुत घना चल पड़ा, फिर भी अगर मीटर में देखा तो कितने घंटे? यो मीटर में 3,000 घंटे। 3,000 घंटे चला दिया। वैसे वो पास तो ऊपर कूद रहा है, मीटर चेंज करवा। मीटर चेंज करवाया आपने? वैसे आपने आपके अंदाजे से 5,000 घंटे चल गया होगा? पास तो ऊपर। अच्छा फिर क्या जोड़ी टायर घस गया आपने? दूसरी जोड़ी टायर है या दूसरी जोड़ी ही टायर है? ठीक है भाई, दूसरी जोड़ी बी के टी की। पहले कौन सा टायर था इसमें? पहला MRF का। MRF का, फिर बी के टी क्यों डलवाया आपने? वो थोड़ा महंगा भी मन मान गया इस समय। अच्छा मन मान गया, पर बाकी देखो बीकेटी का टायर भी बढ़िया है। एक चीज बता भाई, रेपर में अपन ने कै ट्रॉली बना दी अब की बार भाई 150 से ऊपर कूद ली, 150 से ऊपर ट्रॉली होगी। अच्छा टाइम कितना लगा हो ट्रैक्टर को एक ट्रॉली में? एक में 25-26 मिनट। 25-26 मिनट जी, ईसा के इस ट्रैक्टर में जो 25-26 मिनट, वैसे ट्रैक्टर अगर देखा 45-45 मिनट लगा रहे हैं भाई। एक टर्बो लगवाई भाई, इसमें टर्बो लगवा रखी। ठीक है। अच्छा एक चीज बता, इसमें टर्बो लगवाने के बाद में मान ले तेल खर्चा बढ़िया घटिया कुछ, पावर में फर्क पड़ा? हाँ पावर में बहुत फर्क पड़ रहा है भाई, पावर बढ़िया लगा हुआ। हाँ मतलब क्या फर्क लग गया अपन इस तरह भी? एक तो मान ले रिपर में फर्क लग गया और किसी रात और भाई रो में भी चला देखा था रिपर में भी। अच्छा रिपर में पहले कौन से गियर में चला?
पहले में चाल रहे थे, दूसरे में चला है, ये दूसरा में चाल है, फिलहाल में दूसरा में चला था ये। हाँ, दूसरा में चला था। अच्छा अच्छा और कोई मतलब टर्बो लगाने के बाद में भाई सर्विस का चार्ज जो है, सर्विस का तेल जो है वो अलग है या वो ही चला है? वो ही है, वो ही चला है। अच्छा टर्बो कितना टाइम होगा लगभग आपका? ट्रिप भाई दो एक महीने हो गए, दो महीने हो गए चला दिया। कितने घंटे? 500 घंटे था आराम से, यानी ट्रबो लगा के 500 घंटे चला दिया आपने। दो सर्विस हो गई, दो सर्विस हो ली। मतलब ट्रबो तो मान लियो जो कुछ होना था ट्रबो में फॉल्ट है या कुछ भी है ओके सेट हो रही है, ट्रबो एक नंबर काम कर रही है, ट्रबो बढ़िया काम कर रही है। अच्छा जी एक बार इसकी फिटिंग, आप इसके एक बार फिटिंग दिखाओ भाई ट्रबो की किस हिसाब से भाई ने कर रखी है। अच्छा एक चीज बता, ट्रबो कर लगो अपन डीजल बच गया वो। एक चीज बता भाई, जिस तरह और ट्रैक्टर में अपन देखा भी ये जो एयर क्लीनर ड्राई टाइप का हुआ फिर इसमें अपने तेल वाला चल रहा है? हाँ तेल वाला बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लिया अगर तेल वाला अपन यूज करना तो क्या कुछ रख रखा उसमें? तो इस तरह अपना फिल्टर में हवा मरवा दी, इसमें क्या करवाना पड़ा? इसमें भाई तेल बदलना पड़ेगा, वो फिल्टर साफ कर दो भाई। एक तो ये फिल्टर इसको साफ कर दो और तेल चेंज कर दो। तेल चेंज भाई कई दिन में हो जाए भाई चेंज? 3 दिन में कर दे डीजल तो साफ। हाँ मतलब भाई यही तो धूल मिट्टी ज्यादा काम ज्यादा है तो 3 दिन में कोई दिक्कत ना होता है। अब वैसे कोई दिक्कत नहीं, फिटिंग होगी भाई। अच्छा फिटिंग में कोई दिक्कत अभी तक भाई, लीकेज वगैरह को परेशानी? कोई लीकेज नहीं भाई। तो अच्छा 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 स्टील के पाइप वेल्डिंग वगैरह करवा के बढ़िया तरीके से फिटिंग हो रही है, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा अच्छा एक चीज बता भाई, थोड़ा जिस तरह टेम्परेचर फिलहाल में 1:30 बज रहा है, टेम्परेचर की कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं भाई, आधे पर है सुई, मतलब आधा पर है, नॉर्मल है, आधा पर होगी भाई। रेपर है वैसे भी बिना टर्बो का भी ट्रैक्टर आधा पर रहेगा। अच्छा अच्छा अगर धूल धाल लग गई तो गर्मा होगा भाई, वो देखो चौक होगा तो गर्मा होगा, संभाला ही नहीं तो गर्मा होगा। अच्छा मशीन की बता भाई, थोड़ी मशीन के बारे में बता, मशीन के कुछ का मशीन किसी लाग गया बने? मशीन भाई एक नंबर की, बढ़िया खचाई है, बढ़िया खचाई। कई इंच में भैया? या 59 इंच की भाई, 59 इंच में। अच्छा भाई अच्छा ये भी अगर बात कर रहा है जिस तरह ट्रॉली आप 25 मिनट बता दे ना, 25 मिनट में भरा है, कारण के इसका खिंचाई बढ़िया है कि कारण इसका? भाई मशीन की खिंचाई बढ़िया है, कम ट्रैक्टर की पावर ज्यादा लगा। अच्छा ट्रैक्टर अपने मतलब दबदायक होने खिंचाई बढ़िया लगा चल रही है। अच्छा मशीन में कोई परेशानी? मशीन एक नंबर की, मशीन कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं आई। क्या मॉडल है? 23-24 है? यह 24 मॉडल है, पहला सीजन का, पहला सीजन इसका। अच्छा 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 ये मान ले जिस तरह मशीन दी होगी उन्होंने क्या कुछ बताया तेल पानी का, ग्रीस का? ग्रीस करो चलाओ डेली? ग्रीस ना 2-3 दिन में, 2-3 दिन में ग्रीस हो, तेल वगैरह भी डालना पड़ता होगा? तेल तो कई बार डाल ले दिन में, मान ले जो ब्लेड 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 में तेल वगैरह डालते रहोगे तो अच्छी चीज रहेगी भाई। अच्छा कै रुपये पड़ी थी मशीन? यह पड़ी भाई 360 की, 360,000 रुपये। कहाँ से लिया? जदर से? गवाना था, गवाना ले गया भाई। अच्छा जी अच्छा वेट की अगर बात कर, कितना वेट है इसमें मशीन में? हाँ भाई 22 क्विंटल, 22 क्विंटल। वैसे प्लेट पर अगर होगा तो 21 कुछ सही है, कुछ है। हाँ 21 है भाई, 21-60 है, 21.5 क्विंटल। हाँ 22 मान के चलो। अच्छा अच्छा ट्रैक्टर पर बढ़िया चल रही है मशीन, एक नंबर ही चल। अच्छा इस ट्रैक्टर पर बाबा इसके अलावा आप के रास जोड़ा इसके पास भाई? सुपर सीडर अडम्फा चला है, सुपर सीडर भी अडम्फा। अच्छा सुपर सीडर कौन सी चला वहाँ पर? 10 में इसकी 8 फुट की, 10 में इसकी 8 फुट की। तो भाई 8 फुट की तो यार 60-65 HP वाले चलाने लग रहे, आप 8 फुट आराम से चल रहे? आराम से चल रहे, कोई लिफ्ट में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैक लगवा रखे है ना? जैक भी नहीं सिंपल है, फिर कोई परेशानी पंप तो नहीं हुई अभी तक? यार बहुत सी ट्रैक्टर हम देख लगा सब कमी से ओके काम तो बस शुरू वाले दिन सर्विस करवाओ चलाओ। अच्छा अच्छा मतलब ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है, संतुष्ट कर दिए इसने? एक नंबर है भाई। चलो भाई बाकी अडम्फा कौन सी चलाओ आप? अडम्फा रामपुरा फूल है, रामपुरा फूल वो भी बढ़िया भाई अडम्फा। अगर बात करा सुपर सीडर पर डीजल एवरेज की तो वह थोड़ी बता भाई? भाई दूसरे गियर में 5-5.5 लीटर, दूसरा लो में अगर चलावांगे तो 5-5.5 लीटर ले ले, पहले में 6-6.5 ले ले, यानी वो तो भाई मौके खेत की बात है, भाई ज्यादा डंगा है या टापड़ में चलावांगे तो 6-6.5 लीटर ले, 6-6.5 लीटर ले, नॉर्मल चीज है भाई। बाकी कई भाई कहे 4-5 लीटर वो के लफड़ा है भाई, 4-5 लीटर तो वो तो मान ले ऊपर ऊपर पापड़ी फोड़ने का काम मेरे हिसाब में,
जो आप बता रहे हो या डीजल एवरेज बढ़िया काम करा है, तेल भी खा होगा। तेल भी खागा देखो, और ज्यादा 6-7 लीटर खा लियो कोई ऊपर ठागा दी ने चला ली। हां वो भी जब भी गड़ोना आयो भी बोल दिया तीन जो भी कर दिया चार पांच मोर के। यह बात है। अगर बात करा जिस ट्रिप वो खर्चा कितना का गया इसमें भाई 40,000 का खर्चा लगभग 40,000 भी लग गए। मतलब मौके पर भाई आड़े करके गया सारा काम। टाइम कितना लगा हो, कई दिन में? टाइम तो भाई 3-4 घंटे का। 3-4 घंटे हम लगा। अच्छा, एक दिन में 3 ट्रैक्टर आप लगा गया था? एक दिन में 3 ट्रैक्टर आप लगा। मतलब अपन 300 राजा भाई एक सीर या 52 नंबर 3 वहां पर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब फिलहाल में या बढ़िया चल रही ट्रिप? बढ़िया, परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। चलो भाई, बाकी भाई जिस भाई ने लगवानी है एक बार उसका नंबर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, कालू भाई लगा देगा ट्रिप। बाकी भाई तो उसकी ट्रिप तो बिल्कुल संतुष्ट है। बाकी आपने अगर देखना ट्रैक्टर कभी चला भाई मारे में कोई तो, लीकेज नहीं हुई 500 घंटे चल पड़े ट्रिप। हाँ देखो भाई, आपने जो चीज थी होनी होगा तो शुरू में हो लेगी। हाँ जो चीज होनी थी वो हो चुकी। बढ़िया पाई पाई फिटिंग है। हाँ फिटिंग बढ़िया करा की, फिटिंग में कोई कमी ना भाई। मतलब एक चीज और है ना, कई ट्रिप लग गई शो उतारनी पड़े है या वो इसमें देख सारा फिटिंग शो सेट हो। हाँ अंदर की साइड में कौन सा ट्रैक्टर हो शो सेट हो रही है। हाँ शो सेट हो रही है बढ़िया तरीके से। तो भाई एयर क्लीनर भी चेंज करने की कोई दिक्कत आपने नहीं होगी। चलो भाई धन्यवाद भाई आपका। ठीक है।